पंकज सर कैसे हो भाई? यहाँ पे वरुण भाई हाथ का सपना आया था, और हीट होने वाला है, हीट आग लगने वाली है, लड़का ही जाम पार है। अरुण भाई यहाँ पे देख लो ना, यहाँ बड़ा कैमरा है। आजा आजा होली जी, आजा आजा, क्या बात है होली जी। आज वरुण भाई का सपना पूरा हो गया, चूचे का सपना पूरा हो गया। या लेफ्ट लेफ्ट होता भी लेफ्ट लेफ्ट। पुलकित भाई आ जाओ, पुलकित भाई एक साथ एक साथ। आज क्या बात है, आज सब आ रहे हैं मिठाई की दुकान। छोले समोसे, छोले समोसे सर, लॉटरी लगा दो एक। एक लॉटरी लगा दे भाई। अरे क्या बात है, अरे कालीन भैया एक बार अली भाई कहाँ है? गिटार बजा रहा डैन डैन सोलो सर सोलो अंदर पंकज सर सोलो पंकज सर पंकज सर सोलो जी जी आज जहाँ होली जी यहाँ पर आइए भाई आइए, देखो पुलकित भाई आ जाओ, हो गया हो गया, आइए आइए भाई। मचा दिए कैसी कर रही है। हैप्पी बर्थडे।
कोई पार्टी विधायक जी रुकिए विधायक जी थैंक यू धन्यवाद सर या लेफ्ट लेफ्ट फ्रेंडशिप बैंड फॉर मी या एवरी टाइम मेरा ना विश्वास उठ रहा होता है दुनिया भर से मैं देखती हूँ दिल चाहता है फिर सारी चीजें ठीक हो जाती है एंड देन देयर आर डेज व्हेन यू वांट टू वॉच रॉक ऑन एंड देन यू वांट टू वॉच जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंड देन रिसेंटली आई सॉ फ्राइडे नाइट मैन ओ यू वॉच मेड इन हेवन जहां पे भी लवर्स नहीं मिल रहे अंत में दोस्ती काम आएगी एंड वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड फुकरे व्हिच इज सच एन important part of our lives can we please clap for excellent entertainment happy teachers day thank you for teaching us friendship now ye wrestling ka matlab khatam hi nahi hone wali aaj great superb okay 14th of june 2013 normally school shuru hoti hai 14th of june ko pagal patti shuru ho gayi thi 10 saal pehle and now Fukre Returns aayi, animated series aayi, and then of course we've got Fukre 3 happening finally. तो जैसे कि मैंने बताया कि we have to clap really madly. Whistles को थोड़ा साइड पर रखिए जो ओरिजिनल ओजी होते हैं ना तालियां बजा दो ये मैड कास्ट ये ब्यूटिफुल मेकर्स इट्स नॉट एवरी डे दैट वी गेट दिस टुगेदर क्योंकि मुझे लगता है सीक्वल का काम ना बहुत ही आसान नहीं होता सीक्वल क्या होता है सीक्वल क्या होती है सीक्वल ये होती है कि मतलब सेंसेस हैं आपको इकट्ठा करके ये सेंसलेस जो बच्चे हैं जो दोस्त हैं जो फुकरे हैं जो फुकरापंती करते हैं दिल्ली में मचाने वाले हैं इलेक्शंस में जाने वाले हैं पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं इस बार डेजा वू और ड्रीम्स के गिफ्ट के अलावा देयर इज अनदर गिफ्ट देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट दे हैव टू मेक इट इज बिगर इट्स बेटर इट्स मैडर कैन वी प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर फॉर द ट्रेलर दैट यू गोना वॉच राइट नाउ ऑफ फुकरे 3 सितंबर तो बहुत दूर है अब यहाँ सब बैठे हैं तो सारी पिक्चर एक साथ देख लेते हैं बट ऑफ कोर्स यहाँ पे चेयर्स लग रही है पंडित जी भी आएंगे पंडित जी के बर्थडे के लिए विश भी करेंगे साथ में चटचटा भी आएंगे छोटा बॉय पॉट्स क्विक लाइक अ चील हुज गोना टेक अवे द चूजा कैन वी प्लीज प्लीज कॉल अपॉन द मैडनेस मेकर
ठीक है, नॉर्मली कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप एंड ऑल दैट, पागल आदमी. हाँ, लेट्स कैन वी प्लीज मेक सम नॉइज एंड क्लैप फॉर द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म मृगदीप सिंह लांबा. स्टैंडिंग ओवेशन सर, लंबे हो रहे हैं सारे. लांबा सॉरी, ग्रेट जोक, बट मूविंग ऑन टू द ग्रेटर फिल्म एंड द ग्रेटर मोटिव दैट वी हियर फॉर. सर एक इस फिल्म को देख के, मतलब ट्रेलर को देख के अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं इसमें. इट्स डायनामिक, इट्स रैंडम, देयर इज अ लॉट ऑफ वियर्डनेस. क्रोकोडाइल से लेके चूचा जा रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, बट यू मेकिंग इट लुक वेरी इजी. कैन वी प्लीज नो व्हिच इज द इजीएस्ट डे ऑन द सेट्स ऑफ फुकरे 3 एंड द टफेस्ट डे ऑन द सेट्स ऑफ फुकरे 3? आई रियली कांट आंसर दैट. आई थिंक व्हेन आई, जब एक बार आप सोचना शुरू करते हो, दैट्स द ओनली इजीएस्ट डे. Because once you start writing for a brand like Fukre, your bad time starts in terms. So just Fukre 3 likhni hai, wahan tak ka easy rehta hai time. Aur jab release ho jayegi uske baad, usse beech mein koi easy day nahi hai. Sir, aaj ka din bhi easy nahi hai. Aaj aapko ye bhi ek jawab dena padega ki who's the easiest person to work with on Fukre 3 sets and who's the toughest person to work with on the sets of Fukre 3. अब आप ये नहीं कह सकते सारे ही टफ हैं. नहीं, सारे इजी तो हैं. हाँ, क्रोकोडाइल में बहुत मुश्किल हुई थी. हाँ, सो क्योंकि हम खाना टाइम पे दे नहीं पा रहे थे उनको, और वो मतलब उसने मना कर दिया था कूदने के लिए. या मैं नहीं खाऊंगा चूचा को, हट. तभी हमने पंडित जी दिए थे उन्हें खाने के लिए, कि पंडित जी वेजिटेरियन है, चलो भैया नहीं खाओ आप. सर आप ना मुड़ रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्शन चल रहा है तो अभी पॉलिटिकल. हाँ, आपको बताना पड़ेगा ना who's easy, who's tough. Easy है, सब easy है. क्या है इसमें अभी, सब easy है. I don't know why, but it feels like Richa Chaddha is like... Richa तो सबसे ज़्यादा easy है. Yeah. Richa तो सबसे. चलो ठीक है, आंसर मिल गया हमें. Can we please, please, please clap for Mrig Singh Lamba and for helping us get Fukre 3. Thank you. अब हमारे Happy Teachers Day के बहुत ही important कंटेस्टेंट मिस्टर रितेश सिद्धवानी जी के लिए प्लीज तालियां बजाइए. आइए रितेश, इज लवली. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग. थैंक यू सो मच फॉर एडिंग सो मच फ्रेंडशिप इन आवर लाइव्स. इट वाज अ लवली इंट्रोडक्शन एज वेल. एब्सोल्युटली माय प्लेजर. एंड आई कैन नॉट टेल यू, आई थिंक इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीवन and everyone's feelings towards what we feel for dosti, for friendship, for everything that you brought to the Indian cinema. Thank you. I also feel ki there's a lot of gravitation towards friendship in general from Ritesh Sidhwani and Farhan Akhtar. That, does that come naturally to you? You tend to choose scripts which are slightly more, you know, the main crux is sort of friendship? You know, I mean, it's not about that. I think it's more what you relate to. And I think it started from when we were 26, 27, when we made that film. And if you notice any of those three characters, they'll be timeless. Whether it's Akash, it's Sid, it's Samir, you can relate to all three of them. I think there's a little bit in each one of us, and I mean both genders, you will find a little bit of an Akash or a Samir or Sid in someone. And that became the genesis of what we wanted to start off, right? So I think as long as you identify with the character, you relate to it, and maybe friendship, I mean, we really strongly believe in that. And I think it comes very easy to us. Jinko kabhi kisi ko action aa jata hai ya comedy aa jata hai. I think for us, these bonding, I don't want to say male bonding because we also have a female bonding story which is going to come out very soon. So yeah, so I think we relate to it. Absolutely, and I think it's a great depiction. Like every time we see your film, in this also, mujhe aisa lagta hai ki Bholi Punjaban is probably opposite. She's going against all the boys, but she's still together. It's something that's just bonding them together. Yeah, I mean, she couldn't stay away from the Fukras, so she decided to become a part of them. What is the attraction towards the Fukras? All of them. My next question, it's probably going to be a cliche of a question, but it's still going to come through so that our viewers get to know. How is Fukre 3 different from everything that has been given to us on a platter so far? This one took almost 4 years. That's the difference. It took 4 years, and Mrig is the only director in the entire Excel family who's called the James Cameron of our company. You know, so he is. That's what I name him. Zada bol diya. But
there's a reason for that, right? We'll only talk about that after the 28th. Great. The last question that I have for you, Ritesh, is normally in a lot of your films, we also see there are a lot of geographical destinations which are explored. Yahan pe Delhi has been constant. Was that a conscious choice? What exactly was the reason why this was chosen to be that? That goes to Vipul and Mrik. They've written it. I think the story was born there. Yeah. And it just organically continued in its second part and third part. Though this does travel. You'll see in three, they go to South Africa, then they come back. So there is a certain growth to it, I think. But primarily it remains within that zone because they are from there. You know what I mean? I think the way they write the story, it just is still within that. Now, I don't know what miracle he's going to pull out for part four whenever he does. Yeah, but Delhi is the primary character, actually. Yeah. Apart from the Fukras and Bholi and the all other characters. It's a character you can't take out from the film. Sure. So it has to be there. It is consistent. Some of the other character may not be a part of it, but Delhi has to. Are these characters also from Delhi? No? Yeah, so Brig is also. Yeah. We're not choosing to character. We're calling him James Cameron. I'm sorry. I don't have your number on my phone, but if I had it, I would change it. Today. Can we please clap for Mrigdeep and for Ritesh? If you could take your seats, and I'm going to call upon the cast, the one who's loved, who's killed it in Made in Heaven 2, and is going to kill it in Fukre. Can we please put our hands up together for the honey of a man, Mr. Pulkit Samrat? Looking like $1 million. Hi, guys. What's up? Thank you. This is our mutual admiration society. Absolutely. Thank you everybody for coming here for Fukre 3 trailer, yeah, and for making it impossible for us to hear the dialogues because of your screams and your whistles. Thank you so much. Please, let's call the next one. No. I have a question for you before we call the next one. Itni jaldi se, matlab, we're not going to get rid of. So, hey, good job. First question that I have for you. Is aapki khoobsurati ka raaz? What is this Benjamin Button thing going on? Chuche ka pyar! Chuche ka pyar! Ye mujhe aise lagta hai ki mere mummy papa ne bahut ek dusre ko malai walai khila vila ke pyar kiya hoga. This is that result. Yeah. You have said this the 5 seconds. Credit. 5 seconds later. Oh, acha. Acha, ye baat hai. Acha, ye samajh mein aaya. Bhai, non-veg chal raha hai yahan pe. No, but on a serious note, I want to ask you. 10 saal pehle ye character likha tha, honey. As an actor, in order to make a character better with the movement of time, what exactly do you need to do differently? How do you need to make it more relevant with the times that are there? Because ye 2013 ki baat hai. And of course, it was before that also. You know what's one of the best things about Fukre as a franchise? Even the first Fukre is not stale today after 10 years. True. And that is why our characters are still there and they still connect with people. And we are really, sab mein se, mere khayal se, the cast and crew of this film, we all are the biggest fans of Fukre. And we just make sure ki agar hum ek aur part ke saath aa rahe hain, so we justify what we have done so far. And we ourselves would be disappointed agar aisa nahi hoga to. Apart from that, this man doesn't give us any choice. The James Cameron of Excel. He doesn't give us any choice. So we have to really be putting best foot forward. Oh, every time there is Fukre ka some news coming up or there's something on the phone and you're like really excited. I'm going to get the moment to reunite with my OG gang. Yes. What is your excitement like when you get to know? Oh, that is very exciting. Good job. Yes. Good job, yeah. तुम मुझे दिख नहीं रहे बट आई लव यू टू थैंक यू यू नो द एक्साइटमेंट इज ऑलवेज रियली रियली हाई अलोंग विद द नर्वसनेस क्योंकि हम लोग सिर्फ कोस्टार्स नहीं है वी ऑल हैव बिकम फैमिली नॉट ओवर द इयर्स जस्ट विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द फर्स्ट पार्ट इट वॉजेंट इवन की सेकेंड पार्ट में जाके फैमिली बने या थर्ड में आके बने वी ऑल नो वॉट वी लाइक टू ईट वॉट वी लाइक टू डू इन अवर फ्री टाइम्स वी कीप कॉलिंग ईच अदर फॉर आर ग्राउंडिंग अगर कभी कोई स्ट्रेस होता है कोई एडवाइस भी होती है तो हम सब एक दूसरे को कॉल करके वी आर लाइक फैमिली है वी आर फैमिली एक्चुअली दैट्स व्हाट दिस इज अ मैच मेड इन हेवन हे सटल प्लगइन्स कैन वी प्लीज क्लैप नाउ यू कैन से पुलकित ट्वाइस छह बार हो गया बट कोई बात नहीं मैच का अचार डाल रहे हैं थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच पुलकित यू कैन टेक योर सीट देयर एंड वी कैन कॉल अपॉन One of the biggest characters, I think the most remembered, memorable characters.
यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट टुडे, मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको. बेस्ट पार्ट ये है कि आज केवल चूचा नहीं है, वीना आंटी आई है. कैन वी प्लीज क्लैप फॉर वीना आंटी, जो चूचा की मम्मी जी है. कैन वी प्लीज 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 क्लैप. आई ऑल्सो हैव क्वेश्चंस फॉर वीना आंटी. मैं पूछना चाहती हूँ क्या मतलब, आइए मैम. मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कभी आप रास्ते पे निकल गए तो कह रहे हैं जो यार चूचे की मम्मी जा रही है. ये तो हुआ था, मैं जॉब करती थी जलंधर में थी और 2013 में ये पिक्चर आई थी. तो जब मैं इवनिंग वॉक करने जाती थी तो आराम से सब नॉर्मल होता था. इस पिक्चर रिलीज होने के बाद बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, ओए फुकरा मम्मी चूचा मम्मी, चूचा मम्मी फुकरा मम्मी, ये कहना शुरू कर दिया. चूचा मम्मी तो सब ठीक लगता था, बट फुकरा मम्मी ना जब उन्होंने बोला तो मुझे लगा यार मैं तो वैसी नहीं हूँ, मैं वेरी सिंपल लेडी है. मैंने तो कभी कोई फुकरापंथी की नहीं है. बट फिर देन रियलाइज कि अच्छा ये मेरे बेटे की वजह से हो रहा है, और फिर मैंने उसको इंजॉय करना शुरू कर दिया. प्लीज प्लीज थैंक यू सो मच. बस दो सॉरी, क्योंकि मुझे ये आज प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं यहाँ पर मृगदीप लांबा सर को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि सर आपने इसको संवारा तराशा तो ये चूचा करेक्टर इतना अच्छा निकला कि मेरे बेटे को पहचान मिली इसी करेक्टर से, इसी करेक्टर से. थैंक यू सो मच आंटी, आप हो फुकरा मम्मी. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टीम. थैंक यू सो मच. थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच. कम अब कोई टिश्यू भी दे दो चूचे को प्लीज, ये ईमो हो गया है. चूचा हैज नो रिस्पाइट. चूचा प्लीज कम. कैन वी प्लीज क्लैप फॉर चूचा यानी कि वरुण शर्मा. थैंक यू यार, क्या हाल है फुकरा, कैसा लगा ट्रेलर, जामफड़ है ना भाई, सपने आ रहे हैं, बर्फ कौन कौन नहीं खाएगा अब. बट थैंक यू सो मच यार, थैंक यू. मेरे लिए जेन्युइनली बहुत इमोशनल मोमेंट है फुकरे, थैंक यू यार, गुड जॉब, गुड जॉब. बहुत बहुत इमोशनल मोमेंट है बिकॉज फुकरे के साथ डेब्यू हुआ था, इस जो बचपन से मन था करने का, जो बचपन से सपना था करने का, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी जो नींव है वो चूचा है, वो फुकरे है. थैंक यू मृग सर, आई लव यू. थैंक यू सो मच रितेश सर, एक्सेल फरहान सर, थैंक यू सो मच विपुल सर फॉर राइटिंग इट. थैंक यू सो मच यार एवरीवन. और आज तीसरा पार्ट आ गया भाई, 10 साल हो गए यार फुकराबंदी करते करते, क्या बात है. इस बात पे कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज दोबारा करना चाहूंगा जिससे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. भाई मेरा ना एक सपना है, जब हमारा कॉलेज का पहला दिन होगा ना, दोनों भाई घोड़े पे जाएंगे कॉलेज, तू सफेद घोड़े पे, मैं काले पे. हमने काला चश्मा, लंबी चेन वाले जूते, काली काली पैंट और लाल कमीज पहनी होगी भाई, लड़कियां मर मिटेंगी हम दोनों पे. वरुण आपका सवाल का पूछने का क्वेश्चन टाइम ही चला गया मेरा, सारा वैसे बोल दिया. ऐसा कुछ नहीं है, आप चूचा आप बोल रहे हो क्या, you're a chuchas, all right, you're gonna be chucha for the rest of our life and we're gonna remember you for that as well. Santa Claus ke sabse favorite bachche ho aap basically, ha jab jab dekho tab koi na koi vardaan extra aapko milta hi rehta hai, kabhi kabhi dreams dekh lete ho, kabhi kuch. Isme humne thoda bahut kuch, we thought we know it but do you want to talk about what is the gift that is going to be used by chucha in this Santa Claus ka favorite bachcha to hu, wo gift bhi dete hain lekin agar maine gift abhi bata diya na to ye dono mere fite kaat denge. जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है, डायरेक्टर साहब है, बट यू विल हैव टू से द बॉम्बे क्राउड फीते क्या होता है, हम मतलब वो कंफ्यूज हो जाएंगे, जो ऊपर होता है इंच टेप नहीं भाई, लेसेस. हाँ तो बट बहुत ही अतरंगी गिफ्ट है, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, बहुत ही इनोसेंट गिफ्ट है. एंड जैसे पहले भाग में सपने थे, दूसरे भाग में देजा चू था, इस बारी बहुत अतरंगी कुछ होने वाला है. लेकिन
अगर आप देखो चूचे को गिफ्ट मिला सेंटा क्लॉस की तरफ से, तो चूचे की एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी ना, उसको भी 28 तारीख को खोलने दो ना अपना गिफ्ट। वरुण शर्मा इतने क्यूटली बोलते हैं कुछ, हाँ ठीक है सब सही है, आपको मेरा घर चाहिए टेक इट, आपको मेरे वसीयत में नाम जस्ट टेक इट एंड गो। थैंक यू चूचा, कैन वी प्लीज क्लैप फॉर चूचा वंस मोर, थैंक यू गाइस। चूचा एक एक और एक और एक और सवाल है चूचे के लिए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि चूचा इतना इंट्रिंसिक पार्ट है ना आपके जीवन का, ऐसा है क्या मतलब जो चूचा के ट्रेड्स हैं पता भी नहीं चला आपको और वो आपकी पर्सनालिटी का ट्रेड बन गया, चिपक गया बिल्कुल? चूचा की पर्सनालिटी का ट्रेड जो मेरी असल जिंदगी की पर्सनालिटी का ट्रेड बना, वरुण आई थिंक मैं काफी मतलब हर इंसान जैसे सोचता है, काफी चीजें प्लान करता है, ये होता है। आई थिंक एक चीज जो मैंने चूचा से सीखी है वो है हर सिचुएशन में खुश रहना। राइट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हर चीजों में खुश रहना, जो कि चूचा हर कोई भी स्थिति हो वो खुश रहता है, तो वो अडेप्ट करने की कोशिश करी है। प्रॉब्लम है उसमें भी खुशी ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी खुशी ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसमें भी खुशी ढूंढो, और उसके बाद जश्न मनाने में तो खुशी है ही है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच वरुण, आई थिंक दैट्स अ लवली आंसर। बहुत ज्यादा प्रोफाउंड नहीं बोल दिया? चूचा भी तो बड़ा हो गया ना जीवन में। नहीं 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 उतना ही है अभी भी, वैसे ही सेम। चूचा की बारी आ चुकी है, चूचा इज टेकिंग अ सीट। वरुण शर्मा, कैन वी प्लीज प्लीज क्लैप फॉर वरुण शर्मा गाइस, थैंक यू। देखिए वरुण शर्मा इतने शाइन नहीं कर पाते अगर ये जो आदमी है चार चांद लगाने नहीं आ जाता पर्सनालिटी पे। नाम है इसका लाली, कैन वी प्लीज बजाओ ताली। ओ लाली, ये अच्छा था, लाली के लिए बजाओ ताली। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए हमारी फिल्म को और इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। मंजूत, यू आर ब्यूटिफुल विथ योर कॉमिक टाइमिंग, ये तो केवल एक कॉम्प्लीमेंट है। द अदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज धीरे धीरे से व्यूअर्स कह रहे हैं, लॉट्स ऑफ पीपल कीप सेइंग आप जिमी शेरगिल बनते जा रहे हो। पहली पिक्चर में गर्लफ्रेंड नहीं मिली, दूसरे में नहीं मिली, अब तीसरे में मिलेगी या जिमी बन जाएंगे आप? ये असल जिंदगी में उसका ऑपोजिट है, आपको पता नहीं है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। पर्सनल लाइफ रियल लाइफ अलग रखते हैं, रियल लाइफ में आई थिंक मजा वही है जैसे आज चूचा सेड, 28 को जब खुलेगा ना सब कुछ, जो तोहफा आप लोगों के लिए जो तोहफा हमने क्रिएट किया है, तो वो जब आप खोलोगे, आप जब वो देखोगे आपको तभी मजा आएगा, अभी बताने से फायदा नहीं है। देखिए ये भी बात है कि इस ट्रेलर में तो दिखाई दिया ही है दैट देयर इज ऑलवेज इज वन अप दैट्स हैपनिंग बिटवीन यू एंड चूचा, ऑलवेज राइट। ये रवीना कौन है यार, ये बीच में से रवीना कहां से निकला? रवीना कहां है, कौन है? अच्छा ठीक है, रवीना के बारे में फिर से यू विल टॉक अबाउट दैट। मंजूत, द क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज, ये वन अप ये जो चलता रहता है कि फुकरे 3 में, डू यू थिंक दिस वन अप इज गोइंग टू बी टेकन बाय यू बाय द एंड ऑफ इट, मतलब यू आर गोइंग टू बी अहेड ऑफ द गेम विद चूचा जो चलता रहता है छोटा बहुत? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं हम यार भाई हैं यार। ओह बहुत प्यार है हम दोनों में, आई थिंक सब में ही प्यार है। हाउ हैप्पी आर यू विद दिस फिल्म दैट्स कमिंग आउट ऑन द 28th ऑफ सितंबर? यार मैं कल से ढंग से सोया नहीं, एंग्जायटी, नर्वसनेस, एक्साइटेड, आई थिंक मैं एंग्जायटेड हूँ, एंग्जायटी और एक्साइटेड का तो ये बहुत चल रहा है अभी दिल में दिमाग में। मैंने सही बोला ना, कुछ गलत तो नहीं? थैंक्स, दिस डायलॉग इज गोइंग टू बी टेकन इन फुकरा 4 फॉर श्योर। ओ यस, कैन वी प्लीज प्लीज पुट अ हैंड, लोग इतना प्यार देना प्लीज इस फिल्म को कि फुकरे 4 भी उनके माइंड में आए और वो जल्दी बनाए प्लीज, मैं तो चाहता हूँ आए 110%। एंड विद दैट कैन वी प्लीज पुट अ हैंड्स अप टुगेदर फॉर मंजूत सिंह और लल्ली के लिए बजाओ ताली। प्लीज टेक अ सीट, थैंक यू। Can I call upon the next person जिनके बिना ये तो कुछ ही नहीं है, फुकरे 3 क्या, nothing at all, nothing. I want to talk so much about this girl. So much. She's wild, she's crazy, she's lovely, she's so hot, she's so biased. अभी ऐसा लग रहा है कि partial हो गई हूँ मैं, बिल्कुल biased, but can we please put our hands up together? वो भोली पंजाबन जी, रिचा चड्ढा। Richa, you're looking fantastic tonight. We love you, Richa. Tonight नहीं वैसे, evening है वैसे. Love you too. उससे थोड़ा दूर रहना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार उससे बोले यार, उसमें मुझे शक हो रहा है उसमें. पुलकित को बड़ी
सॉरी जलन हो रही है मेरी वाली नहीं मेरी उसकी नहीं मैं अली की ड्यूटी पे हूँ इधर यार Sweet, very sweet. I don't know what to say about this. We're missing Ali, but definitely we want to talk about this question. I think jitne sare villains play kiye hain hamare puri Indian cinema mein, which are fantastic, OGs hain, you are added to that list. And we're very happy that you are. Aapke favorite villain Hindustani cinema mein jo aapne dekhe hain, kaun hai aapke favorite villain? To aapke sawal ke pehle hisse ka main jawab, matlab sawal nahi, I want to compliment. Actually, in any character that lasts and makes an impression on people, it's always the writing. So Vipul Vig is sitting here, our writer Mrigdeep, Fukra original, looking away. He can't wait to leave from here and go to the mix so he can deliver the film on time. Ye hamari sachchai hai. But without writers, it's nothing. No character comes from. Because jab maine pehli baar script padhi to mujhe itna acha laga ki log bholi ke bare mein jis tarah ki baatein kar rahe hain. बोली चिड़िया नहीं चील है कॉफिन में आखिरी कील है यू नो इट्स वेरी लिरिकल इन अ नाइस वे और मेरी खुशकिस्मती कि ऐसा मुझे किरदार करने को मिला एंड इट्स रियली ट्रूली प्रोग्रेसिव राइटिंग की इन्होंने फीमेल कैरेक्टर लिखा है लेडी डॉन And that also in 2013, that was before. Like, and I think that deserves a huge round of applause as well. Film mein, jaise ki humne dekha hai na, Bholi is always against the boys. How exactly is it offset? No, we are all one very happy family ji. Fabulous ji. बहुत ही अब इस, अब no, है तो है. We become friends. Actually, हम सब के लिए वो शुरुआती दौर में पहली या दूसरी फिल्म थी. We were all learning. We were all new. Instagram वगैरह ऐसा नहीं था जैसा अभी है. तो हमारी दोस्ती बहुत असली और पक्की थी. Without giving each other shout outs on stories, but we've hung out a lot. बहुत सारे खाने साथ में खाए हैं. बहुत सारे गम बांटे हैं, बहुत सारी लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है एंड माय विश इज दैट एवरीबॉडी गेट्स टू डू एटलीस्ट वन फिल्म इन देयर लाइफ वेयर दे कैन मेक फ्रेंड्स लाइक दिस सो स्वीट थैंक यू कैन वी प्लीज क्लैप फॉर बोली पंजाब एंड और रिचअप चड्डा एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अब थोड़ी सी इमोशनल सी होंगी पानी और टिश्यू दोनों एंड यू कैन या थैंक यू मैं ले लेती हूँ नाक पहुंची इससे नहीं पहुंची तो क्या ही मजे नो हो गया इट वाज अ पासिंग फेज गाइस रिलैक्स कुछ नहीं हुआ है ओके गेट ऑन विद योर लाइव्स नाक नहीं पहुंची पसीना तो पहुंचा होगा सॉरी लेट हो गया बताना काफी लेट हो गया थैंक यू सो मच रिचा चड्डा यू कैन टेक योर सीट आई एम गोना कॉल अपॉन द पर्सन जिन्होंने धन्यवाद थैंक यू ये बताओ कि सीटी घर से लाए हो कि गेट पे मिला है गेट पे बटा है ना सीटी वाइल वी आर एट इट अगर हम हमारे विसल्स को थोड़ा सा साइड में रख लें हम तालियां बजा के प्लीज पंकज सर को मुबारकबाद इसलिए भी देना चाहते हैं बिकॉज ही इज वन रिसेंटली वन द नेशनल अवार्ड फॉर अ सपोर्टिंग एक्टर इन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट फिल्म कॉल्ड मिमी ऑफ कोर्स पंकज सर जब भी व्हेनेवर ही ग्रेसेस द स्क्रीन वी कैन नॉट फॉरगेट द कैरेक्टर दैट ही प्लेज एंड हाँ हाँ तुम लोग स्टील कर रहे हो मेरी लाइफलाइन कहने वाली थी ना अंडू कर दो उसको कैन वी प्लीज प्लीज Say happy birthday to Pankaj sir. Happy birthday Pankaj sir. अच्छे से गाएंगे केक भी काटेंगे लेकिन अभी फुकरे 3 के बारे में क्यों
धन्यवाद। पंकज सर खुलासा कीजिए पहले तो। पंकज सर साल में दो बार बर्थडे बनाते हैं, एक आज और एक 28। 28 को जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी, असली वाला उसी दिन है 28 को। वैसे मैं कभी नहीं मनाता हूँ, ना ये ना वो, मुझे उतना रुचि नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। थैंक यू, आई लव यू टू। पंकज सर पंडित जी का जो कैरेक्टर है उसे, यस जिंदाबाद, वन सेकंड, वन जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बोली पंजाबन और चूचा थे इलेक्शन में, आपने इनको ही खड़ा कर दिया। पंडित जी के साथ ये जो, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ हाँ नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमारा नेता कैसा हो, पंकज जी जैसा हो, दैट्स करेक्ट। सर ये जो अटैचमेंट है पंडित जी के साथ में, हमारा तो बहुत सारा है, आपका अटैचमेंट कितना है? मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। ठीक है सर, हो गया मेरा काम। नहीं नहीं उससे थोड़ा ज्यादा है इनसे, क्योंकि फुकरे वन में पंडित जी एक मुश्किल से उस कैंपस में जहाँ ये दोनों आना चाहते थे उसके चौकीदार थे गेट के, तो 8-10 सीन का रोल रहा होगा। वहाँ से पंडित की जर्नी है कि पंडित ने बाध्य किया विपुल को और मृग को कि मुझे और लिखो, लिखते लिखते अब पूरी फिल्म में बिखर गया, तो एक गेट कीपर पर बैठने वाला दरवान धीरे धीरे पूरी फिल्म में दरवानी करने लगा। तो खास जर्नी है ये सर। ये हमारे जितने पंकज त्रिपाठी फैंस हैं, व्हिच इज एवरीबॉडी हु वॉचेस योर फिल्म्स, वो हमेशा ये कहते हैं आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही माशाल्लाह वेरी नाइस। आप जिस प्रकार से डायलॉग्स डिलीवर करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। राज जो है वो जरा हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जितने आपके लवर्स हैं, फैंस हैं, उनको प्लीज बता दीजिए। कोई राज नहीं है, बस खिचड़ी खाता हूँ सेट पे रोज, तो पेट शांत रहता है तो दिमाग भी सही रहता है, फिर लाइन भी सही डिलीवर हो जाती है। नहीं जेन्युइनली मतलब ये सही आंसर है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, खिचड़ी ही खाता हूँ 300 दिन शूटिंग में, जितना दिन भी रहूं। सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, कैन यू प्लीज। हाँ वो अच्छा पंच लैंड किया है ना बर्फ के गोले वाला, मुझे भी हंसी आ गई देख के वो ट्रेलर में। पंकज त्रिपाठी के लिए कैन वी प्लीज प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर गाइस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। अब हमने विपुल विक के बारे में इतनी बातें सुनी है, अगर वो नहीं होते तो आई डोंट थिंक हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम इतनी मोहब्बत करते वो हो पाते। सो एक एक करके आई वुड लाइक टू रियली रियली आस्क यू टू प्लीज पुट योर हैंड्स अप टुगेदर फॉर द पीपल दैट यू डोंट सी व्हेन यू वॉच द फिल्म, बट दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द फिल्म कम ट्रू टू इट्स ग्लोरी, टू द 10-year ग्लोरी दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट टुडे। कैन वी प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर फॉर अनिल थडानी, AA फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर। Can we please put our hands up together for Vishal Ramchandani, the CEO of XL Entertainment? Whoa. Can we put our hands up together for Kasim Jagmagiyav, the co-producer XL Entertainment? Whoa. And can we please, please, please put our hands up together for the man called Vipul Vig, the writer, for Fukre 3. Can we also quickly have the birthday cake for the man of the moment? सर खिचड़ी का बनाया हुआ है केक है, खा लेंगे। अरे प्लीज मत, मैं असहज हो जाता हूँ, तो मुझे अच्छा रहेगा आप ना कटवाएं। मैं थैंक यू सो मच इस जेस्चर के लिए, बट ना कटवाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, मैं असहज हो जाता हूँ, मैं बहुत नीट थोड़ा केक काट। नहीं हम खा लेते यार, मना कर दिया। नहीं नहीं आप पीछे खा लेना। सर आज आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात कह ली है, हम बर्थडे केक नहीं, हम घर जाके सब खिचड़ी खाएंगे। नहीं मैं ऑलरेडी मोमोज खिला चुका हूँ सेट पे, पूछो। बहुत बहुत खुद खिचड़ी खा रहे हैं, मोमोज खिला रहे हैं। कैन वी प्लीज प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर फॉर एवरीवन दैट्स प्रेजेंट हियर, इंक्लूडिंग द मीडिया, इंक्लूडिंग द ऑडियंस। बट अब असली चीजें शुरू होती हैं, अब हम आपसे पूछेंगे, वी विल टेक दिस मोमेंट फॉर सो दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।
most of your representatives, Pankaj ji, aap, and Richa, the Fukre boys, and Ritesh, especially to you too. Yes, there's a Fukre moment that you would like to share, which began at school. इनको सोचना पड़ेगा कौन से बता पाएंगे बताने लायक कौन से. I've heard a lot about you. Teachers Day, I think will be very relevant if you could share a message to your teachers about how's the journey been from then to now. You know, I mean, to be honest, I think obviously all of us, I mean, you know, our foundation, to be honest, since we're talking, and is, you know, what you do at your school. Like, and I'm saying this because my son, when I recently was, I'm talking about a few years ago, went to his school. And the only thing his teacher told me is that whatever you're going to do at home is 20%, and 80% is what we'll make out of your child in school. But you have to balance that 20% with us. So I go back to think that this is exactly what happened. Our foundation is made at school. So my everything we are today and who we are, I think a lot of it has been shaped by the educators we had at that school, because that is the age you're impressionable also. So it's how you're molded, how you're guided, and obviously with parents at home. So teachers come in various formats, right? Whether your parents are your teachers at a certain phase in your life, your teachers in school are your teachers. You start going to work and people you learn under are your teachers. So I think even today, I still feel that I'm going to continue learning and I still have a lot more to do. So yeah, happy Teachers Day. Hello. हेलो, मेरा सवाल पंकज जी से. पंकज सर, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे. और एक चीज कहना चाहूंगा कि सब यही चाहेंगे कि आप जैसा पिता और एडवोकेट हर कोर्ट में हो और हर घर में हो. एक सवाल फुकरे, जब आपने कहा कि जब फुकरे स्टार्ट हुई थी, थैंक यू तो कैरेक्टर आपका दरवान था, छोटा सा कैरेक्टर था, और आज पूरे मूवी की दरवानी कर रहे हैं. सो ये कहना ठीक होगा उस टाइम आपको फुकरे की जरूरत थी और आज आपके बिना फुकरे नहीं बन सकती थी? नहीं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कह सकते हैं, डेमोक्रेसी है. पंडित मैं कुछ बोल सकता हूँ? बिल्कुल. ये जब तक हमारी पिक्चर में दरबान बन के रहेंगे ना, इन्होंने कहा हम तीसरे पार्ट में पूरी पिक्चर में दरबान का काम कर रहे हैं साथ में. वी फील वेरी सेफ दैट ही इज अवर दरबान, एंड आई थिंक एनीबडी हु वर्क्स विद हिम फील्स वेरी वेरी सेफ कि हाँ, पंकज जी हैं तो हमारी पिक्चर सेफ है. एंड थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर दैट. और पार्ट वन भी पंडित के बिना नहीं बन सकती. मैं नहीं होता तो भोले से मिलवाता कौन इनको? करेक्ट करेक्ट. हेलो इन सेंटर, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन. रिशा, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से फिल्म की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम फिल्में होती हैं जिनके सीक्वल्स भी इतने वर्क करते हैं, और जिस बजट में फिल्म बनती है उससे ज़्यादा जो है प्यार ऑडियंस का मिलता है, और इस फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ. जिस तरह से दोनों सीजन इतने अमेजिंग रहे, तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के, इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है अकॉर्डिंग टू यू कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं और इतना क्रेज है अभी तक? इट फील्स लाइक आई विल रिपीट माई सेल्फ, पर अच्छे लेखन के बिना ये पॉसिबल नहीं है. कोई भी फिल्म अगर, जैसे जो हम लोगों के घर की कहानी है, पार्ट वन में लोगों को, अब मत करो ना उसको, वो मैं बात कर रही थी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे घर में जब पार्ट वन में आप देखते हो कि लाली के पापा अपनी दाढ़ी सेट करते करते उस पर अपनी चप्पल फेंक रहे हैं, या चूचा की मम्मी उसकी पिटाई कर रही है, या घर में जो चीजें डिस्कस हो रही है उनमें एक किस्म की, हिंदी का शब्द है, आत्मीयता है, एक मिडिल क्लास ह्यूमर है जो हम सब के क्या कहें, घर की असलियत है, या परवरिश में उसका एक ट्रूथ है. हम सब के मिल्यू, हमारे परिवेश का वो एक हिस्सा है. तो पहली बात तो वो, दूसरी बात जब उन्होंने कहा सेफ और क्लीन कॉमेडी लिखना, एक ऐसी फिल्म जहाँ लोगों के सपने बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे, यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि 30,000 करोड़ की चोरी हो रही है, ऐसा नहीं होता. हमेशा कुछ छोटा सा गोल होता है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, इस तरह की चीजें. तो मैं तो खुद ही भूल गई, तुझे मैंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया. अभी मम्मी को पानी पीना, चल ठीक है. तो आई एम ओनली जोकिंग, आई एम सेइंग बेसिकली राइटिंग
और उसमें एक सच्चाई है हम सबकी असलियत है, क्लीन कॉमेडी। हाँ, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है फिल्म, बच्चों को चूचा बहुत प्यारा लगता है, लाली बहुत प्यारा लगता है, तो बहुत कुछ इस तरह का होता है फिल्म में जो। और मैं तो ये भी कहूंगी, अभी भी आप अपने पूरी फैमिली के साथ जाके जब फिल्म देखेंगे, इट विल बी एन एक्सपीरियंस, इट विल बी अ मेमोरी। और आई थिंक दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ स्टोरी टेलिंग इज, नॉट टू क्रिएट नाइस मेमोरीज।
It's not.